हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशा चराया, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एनएचएस हॉस्पिटल जालंधर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लेप्रोस्कोपिक सर्जन गायनाकोलॉजी के बारे में। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है क्या? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे आम भाषा में की होल सर्जरी या फिर हम दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं, उसके अंदर पेट के अंदर छोटे छोटे चीरे, 1 सेंटीमीटर से लगभग आधे सेंटीमीटर के चीरे लगा के पेट के अंदर हम अपना कैमरा और औजार डाल के जो ऑपरेशन है वो दूरबीन से किए जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम इंसीजन नहीं लगा रहे हैं या चीरा नहीं लगा रहे हैं तो इसके अपने कुछ फायदे रहते हैं। और गायनाकोलॉजी में आजकल काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये ऑपरेशन जो है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऑब्वियस कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनाकोलॉजी में हम दो तरीकों से यूज़ कर रहे हैं। एक है डायग्नोस्टिक, मतलब कि हम बीमारी को पता लगाने के बारे में या बीमारी के बारे में कुछ डिटेल्स या कुछ ज़्यादा जानकारी जानने के लिए, और दूसरा जो है थेरापेटिक, मतलब बीमारी के इलाज के लिए। तो जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो लेप्रोस्कोपी जो है हम इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन की समस्या, अगर किसी को है कि बांझपन की समस्या क्यों है, किसी को कोई रसौली है या अंडेदानी में कोई गांठ बनी हुई है या फिर उसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर उसको ट्यूबरक्लोसिस की समस्या है या बच्चेदानी और अंडेदानी का जो बेसिकली एक रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब है जिसकी वजह से जो है अंडा ठीक से पिक नहीं हो पा रहा, ये सब चीज़ें जानने के लिए, या किसी को ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई है, किसी को बच्चेदानी में या बच्चेदानी के आसपास या फिर ट्यूब के स्ट्रक्चर्स के अंदर टीबी हो गई है या एंडोमेट्रोसिस की समस्या है कि मतलब बच्चेदानी के बाहर जो है पीरियड का जो ब्लड है वो जमा हो गया है जिसकी वजह से मरीज को पेन की समस्या या बांझपन की समस्या आ रही है। इसी सेम चीज़ को हम लेप्रोस्कोपी को हम यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट को पेन की समस्या है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, या किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन रहती है जो कि दवाइयों के साथ भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो कहीं उसके अंडेदानी में या ट्यूब्स के अंदर कहीं पस तो नहीं जमा हो गई है, तो ये सब जानकारी जो है हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू आराम से पता लगा सकते हैं। अगर किसी को अंडेदानी में कोई गांठ बनी हुई है जो कि कई बार एमआरआई की स्टडी कराने के बाद भी हमें नहीं समझ में आता है कि इसमें कहीं बीमारी तो नहीं है या एक डाउटफुल है कि कहीं कैंसर तो नहीं है और आगे इसमें क्या इलाज संभव है या नहीं है या पहले हमें कीमोथेरेपी देनी है, इस केस में भी लेप्रोस्कोपी जो है काफ़ी फ्रूटफुल है या एडवांटेजेस है कि हम सिंपल एक स्कोप डाल के हम जो नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपकी अंडेदानी है या ट्यूब है, हम ये देख सकते हैं कि उसमें जो रसौली है वो हमें कैंसर की लग रही है या सिंपल कोई गांठ लग रही है जिसे हम सर्जरी से निकाल सकते हैं, और अगर कैंसर है तो उसकी स्टेजिंग कि वो कौन सी स्टेज तक फैल गया है उसके लिए भी लेप्रोस्कोपी जो है आजकल कारगर है। अगर हम थेरापेटिक की बात करें, मतलब बीमारी के इलाज के बारे में बात करें, तो जैसे कि आप जानते हैं लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, मतलब बच्चेदानी का रिमूव करना हो या फिर हमें पेन की किसी को समस्या है, अंदर बच्चेदानी चिपक गई है या अंडेदानी चिपक गई है, डिशोलाइसिस, अंडेदानी ट्विस्ट हो गई है अपनी जगह पे या अंडेदानी में रसौलियाँ बन गई हैं जो कि सिंपल पानी की हैं या खून की रसौलियाँ हैं, एंडोमेट्रोसिस की समस्या है, किसी की बच्चेदानी जो है कमज़ोर हो गई है जिससे प्रेगनेंसी का ठहराव नहीं हो रहा, इस तरीके के ऑपरेशन भी, या किसी की जो बच्चेदानी है उसमें बनावटी कोई नुक्स है, इन सब समस्याओं के लिए भी लेप्रोस्कोपी का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को ट्यूब में प्रेगनेंसी है या कोई बच्चेबंद का ऑपरेशन करवाना चाहता है तो ये सब समस्याएं, इवन कैंसर की सर्जरी जिसे हम रेडिकल हिस्टेक्टमी कहते हैं जिसमें बच्चेदानी में कैंसर हो जाता है या बच्चेदानी के मुंह पे अगर कोई कैंसर होता है, तो इसका इलाज भी लेप्रोस्कोपी के द्वारा संभव है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में कोई अन्य जानकारी के लिए आप हमारे से हॉस्पिटल आके ओपीडी में संपर्क कर सकते हैं।